सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी ओर काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं केरेडारी के ग्रामीण। प्रखंड केरेडारी से लगभग 15 किलोमीटर दूर नीरी गांव की कहानी है, जहां लोग टीवी देखना तो दूर, ठीक से मोबाइल पर बात भी नहीं कर पाते। जी हां, आइए हम नीरी गांव की परेशानियों से रूबरू होते हुए यहां की मुश्किलों के बारे में जानते हैं। नीरी जो कि सलक पंचायत से अंतर्गत 12 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लगभग सभी ग्रामीणों के पास मोबाइल तो है, लेकिन उस पर बात कर पाना बहुत ही कठिन है। यह सब का कारण नेटवर्क है। जी हां, नीरी में कोई भी कंपनी के सिम का नेटवर्क नहीं रहता है, लोगों से स्पष्ट बात कर पाना मुश्किल होता है। यहां तक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए काफी ऊंचे पहाड़ पर जाना पड़ता है। फिलहाल में प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं से वंचित हो रहे नीरी के लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना, किसान पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को काफी ऊंचे पहाड़ पर जाने के बाद भी कई किसान मायूस और हताश होकर लौटते नजर आ रहे हैं। प्रज्ञा केंद्र संचालक रविंद्र कुमार तुलसी कुमार के द्वारा यह बताया गया कि हम लोग सारा सामान तो पहाड़ पर ले आते हैं और किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो बहुत ही नाराजगी महसूस होती है। इस परेशानी को दूर करने की गुहार लगाई है। खबर 365 न्यूज के लिए केरेडारी से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। मेरी पोस्ट सलगा, थाना केरेडारी, जिला हजारीबाग। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पहाड़ की चोटियों में ऊपर में चढ़ करके बनाना पड़ रहा है, जिसके कारण मैंने टावर नहीं रहने के कारण से पहले 81 और आज 89 कार्ड बना है और अधूरा भी बच गया है। चढ़ने उतरने में बहुत तकलीफ हो जा रहा है, बार बार रोज दिन पहाड़ चढ़ना उतरना पड़ता है, हर संडे को हर मंगल को चढ़ते उतरते भूखे प्यासे आदमी लोग परेशानी करके ही किसी तरह से बनवा जा रहा है।